Hello friends, welcome to Vinomads. Here is where we share travel vlogs and hotel experiences. After 5 hours of drive from Coorg, we reached the mountains of Chikmagalur. Chikmagalur mein kya karna hai agar aap janna chahte hain to upper right corner pe click kare. Chikmagalur coffee plantations ke liye jana jata hai aur hum ek coffee plantation ke andar ek homestay mein ruke the. लास्ट 2.5 किलोमीटर की ड्राइव में आपको ऐसे बहुत से साइन मिलते हैं और बहुत ही सीनिक ड्राइव है. मेरे लिए इस होम स्टे का नाम थोड़ा टंग ट्विस्टर है. नाम है थोटा डेली. ये इनकी पार्किंग है. द स्टे इज डिवाइड टू टू पार्ट्स बेसिकली. एक ये पूरा एरिया गेस्ट के लिए है और एक इनका अपना पर्सनल एरिया है जो बाद में देखेंगे. इन्होंने ट्रेडिशन को यहाँ बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा है और बहुत एक से एक सुंदर चीज़ लगाई है जो आपको मैं दिखाऊंगा और आप इन्जॉय करिए. यहाँ पे 7 गेस्ट रूम्स अवेलेबल हैं. 4 यहाँ पे हैं और बाकी 3 जहाँ पे ये खुद रहते हैं वो भी दिखाऊंगा आपको. एक बार लॉक और की पे नजर डालें. किसी भी होम स्टे में एक मेन कंसर्न रहता है कि क्या वो क्लीन है. आइए देखते हैं. रूम्स काफी क्लीन थे. बेड कंफर्टेबल थे. काफी सॉफ्ट थे. पिलोज भी अच्छे थे. ऊपर अगर आप देखेंगे अगेन ट्रेडिशनल रूफ है और साथ में लाइट का भी नेचुरल लाइट के लिए इंतजाम किया गया है. अगेन बाथरूम इज ऑलवेज अ कंसर्न किसी भी होटल में जाते हैं बट अगेन यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है. बाथरूम काफ़ी क्लीन थे. टॉयलेटरीज अच्छी थी और टॉवल्स भी काफ़ी क्लीन और सॉफ्ट दिए थे. वन ऑफ द बेस्ट रेटेड होम स्टे ऑन ट्रिप एडवाइजर्स. आइए अब आपको इस होम स्टे के मेन एरिया में लेके चलता हूँ जहाँ हमारे होस्ट खुद रहते हैं. बहुत ही सुंदर और टेस्टफुली बनाया हुआ है. ये छोटा सा रास्ता हमें पार्किंग की तरफ लेके जाता है एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस एंड आप देख सकते हैं ग्रीन ही ग्रीन है. और ये घर है जहाँ हमारे होस्ट खुद रहते हैं और आप ऊपर देख सकते हैं इन्होंने 3 रूम और बनाए हुए हैं जो ये अगेन गेस्ट को देते हैं. हमें पता नहीं था. हमें कोई चॉइस नहीं दी थी बट आई वुड सजेस्ट कि आप गेस्ट वाले एरिया में रहें जो हमने आपको पहले दिखाया था. दैट्स वेरी वेरी नाइस. अगेन आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने कितना ब्यूटीफुली और टेस्टफुली डेकोरेट किया है. अगर आप बोनसाई के शौकीन हैं तो यू विल बी अमेज टू सी द कलेक्शन दे हैव फॉर बोनसाई हियर.
आइए अब गेस्ट डाइनिंग एरिया देख लेते हैं। आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल खाना खिलाते हैं, सिर्फ खाने की क्वालिटी ही नहीं अच्छी है, बहुत प्यार से आपको यहाँ खाना खिलाया जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे सारे गेस्ट ऑलमोस्ट एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। पकोड़े खाने का टाइम हो रहा है, पकोड़े खाने वाला मौसम हो रहा है। बहुत ही टेस्टी है, सूप का फिश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। खाने के बाद याद आया वीडियो बनाना था। चलने के टाइम आपको होस्ट गुड लक बोलते हैं और आपको बड़े प्यार से विदा करते हैं। प्लीज दिस इज मिस्टर प्रकाश एंड मिस पल्लवी, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर प्रॉपर्टी। हाउ ओल्ड इज इट? 11 इयर्स। 11 years. So, yeah. कब से रह रहे हैं आपके यहाँ से? How long you have been staying here? 1957. Oh wow. So third generation. Third gen. अच्छा, and this homestay has been there for how many? 11 years. 11 years. Oh okay. Very nice. So friends, मैं आपको जरूर recommend करूँगा ये property. बहुत ही reasonable है. 3,500 per person है, including all the food, breakfast, lunch and dinner. और ठीक मैंगलोर में आने का और रहने का यहाँ पे अलग ही मजा आएगा। हर तरफ कॉफी प्लांटेशन है, तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स।